मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। आवर फैमिली। आवर फैमिली मीन्स होता है हमारा परिवार। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे फैमिली, व्हाट इज फैमिली, फैमिली किसे कहते हैं, और काइंड्स ऑफ फैमिली, फैमिली के कितने प्रकार होते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट में हम लोग देख लीजिए फैमिली। फैमिली किसे कहते हैं, वी लिव इन हाउस विथ आवर फैमिली, जो हम लोग घर में रहते हैं। तो घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके साथ हम लोग मिल के रहते हैं, तो वही फैमिली कहलाती है। फैमिली में जो लोग होते हैं वो फैमिली मेंबर कहलाते हैं। तो फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मदर होती है, माँ होती है, फादर होते हैं, पिता होते हैं, ब्रदर सिस्टर भाई बहन होते हैं, ग्रैंडफादर भी होते हैं, ग्रैंड मदर भी होते हैं, अंकल आंटी और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं फैमिली मेंबर। फादर आर कॉल्ड आवर पेरेंट्स, जो फादर और मदर होते हैं वो हम क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं पेरेंट्स। स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, टिक द बिगेस्ट फैमिली गिवन, है यहाँ पे जो सबसे बड़ी फैमिली है उस पर टिक लगाना है। तो सबसे बड़ी फैमिली कौन सी होगी, जिस फैमिली में ज़्यादा फैमिली मेंबर होंगे। तो यहाँ पे देख लिए, इसमें ज़्यादा फैमिली मेंबर है, ज़्यादा लोग हैं, तो ये हो गई बिगेस्ट फैमिली। अब स्टूडेंट आते हैं काइंड्स ऑफ फैमिली, फैमिली के प्रकार। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि किसी के घर में ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा फैमिली मेंबर होते हैं, और किसी घर में कम फैमिली मेंबर होते हैं। तो जिसके घर में ज़्यादा फैमिली मेंबर होते हैं वो कहलाते हैं बिग फैमिली, और जिसके घर में कम फैमिली मेंबर होते हैं वो कहलाते हैं स्मॉल फैमिली। तो स्मॉल फैमिली में क्या होता है, उसमें कम लोग होते हैं, 4 से 5 या फिर होते हैं। और बिग फैमिली, बिग फैमिली में ज़्यादा लोग रहते हैं, 5 से अधिक लोग रहते हैं, तो वो कहलाती है बिग फैमिली। तो फैमिली कितने प्रकार की होती है, वो 2 प्रकार की होती है, वो है स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली। स्मॉल फैमिली में कम लोग होते हैं, बिग फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अंश फैमिली, अंश जो है वो एक छोटे से फैमिली में रहता है। तो इस फैमिली में कौन कौन है, इस फैमिली में अंश है, अंश के फादर है और अंश की मदर है, टोटल 3 लोग हैं। तो ये हो गई स्मॉल फैमिली। तो अंश जो है वो स्मॉल फैमिली में रहता है। अब आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स किसे कहते हैं। जो स्टूडेंट जो हमारे पेरेंट होते हैं, माता पिता होते हैं, तो हमारे माता पिता के भी माता पिता, जो कि हमारे दादा दादी नाना नानी, वही कहलाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स किसे कहते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके भी पेरेंट्स, मतलब उनके भी माता पिता, वो कहलाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि हमारे दादा दादी नाना नानी, ये सब हो गए ग्रैंड पेरेंट्स। स्टूडेंट अब आते हैं ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर किसे कहते हैं, जो हमारे फादर होते हैं, मदर होती है, हमारे फादर और मदर के फादर को हम लोग ग्रैंड फादर कहते हैं। और ग्रैंड मदर किसे कहते हैं, जो हमारे फादर होते हैं, मदर होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, उनके माँ को हम लोग ग्रैंड मदर कहते हैं। हमें जो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बातें को मानना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, जो बिग फैमिली होती है वो जॉइंट फैमिली भी कहलाती है। तो बिग फैमिली को हम लोग जॉइंट फैमिली भी कह सकते हैं। ए बिग फैमिली हैज पेरेंट्स चिल्ड्रेन ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट एंड देयर चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर। बिग फैमिली में क्या होता है, बिग फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं यानी दादा दादी होते हैं, अंकल आंटी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ये पर यहाँ पे देख लिए, ये रितु की फैमिली है, रितु की फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं। तो ये हो गई बिग फैमिली। रितु की फैमिली में रितु है, रितु के दादा है, दादी है, उसका भाई है, उसकी मम्मी है, उसके पापा हैं, अंकल है, आंटी है। तो रितु के फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। तो रितु है, तो रितु की जो फैमिली है वो बिग फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। स्टूडेंट इस चैप्टर में इतना ही, उम्मीद है आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा।